बरमूडा ट्रायंगल एक साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि इसकी पुरसरारियत के पीछे सिर्फ मुख्तलिफ जोग्राफियाई और माहौलियाती खसूसियात हैं। अमरीकी बोर्ड ऑफ जोग्राफिक नेम्स ने बरमूडा ट्रायंगल के नाम को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया। ये एक हकीकत है कि बरमूडा ट्रायंगल का कोई सरकारी नक्शा नहीं है। मजीद ये कि बरमूडा ट्रायंगल की कोई मुकर्रा मुसल्लस शक्ल भी नहीं है, और इसके अजीबोगरीब असरात इस ट्रायंगल शेप से बाहर भी असरअंदाज होते हैं। समंदर हमेशा से ही इंसानों के लिए एक पुरसरार जगह रहा है, और जब इसके साथ ख़राब मौसम और ख़राब नेविगेशन शामिल हो जाए तो ये एक बहुत ख़तरनाक जगह बन सकती है। मज़ीद ये कि इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि ऐसी पुरसरार गुमशुदगियाँ बरमूडा ट्रायंगल में किसी भी दूसरे समंदर की निस्बत ज़्यादा तादाद के साथ होती हैं। तारीखी तौर पर देखा जाए तो बरमूडा ट्रायंगल 1950 में एक पुरसरार इलाके के तौर पर मशहूर हुई, जब सिर्फ 2 सालों में 700 के करीब मल्लाह लापता हो गए। एक पायलट ब्रूस जेरनन का दावा है कि वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एक वक्ती तौर पर बनने वाली सुरंग में दाखिल हो गया और यूं अपनी परवाज़ के 28 मिनट खो बैठा। इसकी वजह से उसका तैयारा अपने जोन से गायब हो गया और उसकी बजाय मियामी बीच पर जाहिर हुआ। इसी तरह गुज़श्ता सदी में हवाई जहाज़ों, बहरी जहाज़ों और कश्तियों के पुरसरार तौर पर गायब होने के बहुत से दीगर वाक़यात भी पेश आए। आइए अब हम बरमूडा ट्रायंगल पे होने वाले हादसात की असल वजह जानते हैं। दर हकीकत बहरे ओकियानूस बहरुल काहिल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। इतनी बड़ी जगह पर गुमशुदगियों और हादसात की वजूहात भी लातादाद हो सकती हैं। यहाँ ये नोट करना दिलचस्प होगा कि तहकीकात के दौरान इन सब हादसात में इंसानी गलती को ही सबसे बड़ा सबब करार दिया गया। मिसाल के तौर पर अगर हार्वी कुनोर के मामला को देखा जाए तो वो एक ताजर था जो इस इलाके में तूफान का शिकार हो गया, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो काफ़ी ख़राब मौसम के बावजूद अपनी कश्ती गहरे समंदर में चलाने के लिए ले गया। इसी तरह इस इलाके में डूबने वाले USS साइक्लोपस भी इसीलिए डूब गया कि वो अपनी मुकर्रा बोझ से ज़्यादा बोझ उठाए हुए था, और इस तरह बहरी जहाज़ के साथ इसमें मौजूद तकरीबन 300 आदमी और 10,000 टन मैगनीज खाम तेल भी ज़ाया हो गया। हम ये सोच सकते हैं कि अचानक से गिरकर तबाह होने वाले तैयारे और कश्तियां माजी की बात हो सकते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, मगर बरमूडा ट्रायंगल अब भी जहाज़ों को तबाह कर रही है। और सिर्फ चंद ही बरस कबल 2008 में भी एक जहाज़ इसी तरह लापता हो चुका है। ये सब हादसात इस जगह समंदर की कुछ अजीबोगरीब खसूसियात की वजह से ही मुमकिन हुए हैं। गहरे समंदर में फटने वाले आतिशफशां भी इस तरह के हादसात की वजह बनते हैं। मज़ीद ये कि ये इलाका इंतहाई गैर मुतवक्का और शदीद तूफ़ानों के लिए मशहूर है। ये नहायत तेज़ी से बनते और ख़त्म होते हैं। फिर बरमूडा ट्रायंगल ज़मीन पर मौजूद इन मुकामात में से एक है जहाँ कंपस मकनातीसी शुमाल के बजाय हकीकी शुमाल की तरफ इशारा करती है, और अगर कंपस की इस गलती का ख्याल ना किया जाए तो जहाज़ और तैयारे गलत रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं। एक और बड़ी वजह इस इलाके की ज़ेरे आब टोपोग्राफी या ज़मीनी खदोखाल हैं, जो गुमशुदगियों की एक बड़ी वजह हो सकते हैं, जो कहीं पर तो हल्की ढलवान है और कहीं पर इंतहाई गहरी खाइयों की सूरत में है। दुनिया की कुछ गहरी तरीन खाइयाँ बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में पाई जाती हैं। इन गहरी खाइयों में डूबने वाले जहाज़ या तैयारे आज तक नहीं मिल सके। इसी तरह साइंसदानों ने समंदर की तह में गलने सड़ने वाले समंदरी जानदारों की वजह से पैदा होने वाली मीथेन गैस को भी इन हादसात की मुमकिन वजह करार दिया है। ये मीथेन गैस इकट्ठी होकर मीथेन आइस बनाती है, और जब ये आइस किसी जगह पर फट जाए तो गैस फौरी तौर पर समंदर की सतह की तरफ आ जाती है, और इसके नतीजे में पानी अचानक बहुत हल्का हो जाता है, और अगर कोई जहाज़ इस इलाके से गुजर रहा हो तो वो डूब सकता है। इसी तरह गर्म और ठंडे पानी के धारे और माहौल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन भी आलात और जहाज़ों को मुतासर करने की जिम्मेदार हो सकती हैं। कुछ लोग एक इलेक्ट्रॉनिक धुंध का भी जिक्र करते हैं जो हद्द निगाह और आलात दोनों को मुतासर करती है।
इन हादसात की एक और सादा सी मुमकिना वजह यह भी हो सकती है कि यह इलाका शौकिया पायलटों और मल्लाहों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इलाका है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ बहरी और फिजाई रास्ता भी यही है। आदादो शुमार के लिहाज से ज़्यादा आमदोरफ ज़्यादा हादसात और गुमशुदगियों का बायस बनती है। मज़ीद ये कि अमरीकी बहरिया और अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस जगह पर वाकयात की कोई माफूकुल फितरत वजाहत नहीं हो सकती। उनके तजर्बे से पता चलता है कि फितरती हालात और इंसानी गलती जब इकट्ठी हो जाए तो इंतहाई नाकाबिले यकीन साइंस फिक्शन से भी बढ़कर साबित होती है। मगर हकीकत यह भी है कि इस इलाके से बहुत से लोग हर रोज़ बग़ैर किसी मुश्किल के गुजरते हैं। एक और अहम हकीकत यह है कि बरमूदा ट्रायंगल की जो हैसियत बहर ओकियानूस के लिए है, वही हैसियत ड्रैगन ट्रायंगल की बहरुल काहिल के लिए है। यह जापान के जुरूम मशरिक में जापान और बेनन आइसलैंड के दरमियान, ख़ास तौर पर इन्वाजीमा और मर्क्यूरस आइसलैंड के दरमियान एक ऐसा इलाका है जिसका रिकॉर्ड और साख जहाज़ों और तैयारों के लिए खसूसी ख़तरे की निशानदेही करता है। बहरुल काहिल में मौजूद ड्रैगन ट्रायंगल और बरमूदा ट्रायंगल के मुतल्लिक साइंसी शवाहिद और अफसानवी नज़रियात की मौजूदगी के बावजूद इसका मुसलसल पुरसरार वजूद इस बात की गवाही है कि दुनिया के कुछ मज़ाहिर और मामूल इंसानी फहम और समझ बूझ से कहीं बाहर हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है या आपका कोई ज़ाती तजर्बा इस बारे में है तो हमें उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।